हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कामिनी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोग ना सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों तक जाए। आज का ब्लॉग ना मैं सीधा रास्ते से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठ के नहाना धोना, बाबू को तैयार किया मैंने, तो नहीं हो पाया, मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने सीधा रास्ते से ही बना लिया। और इधर चल रही है हमारी सेल्फी हम लोग जाएं और कहीं फ़ोटो ना खींचे हो ही नहीं सकता ना। तो मैं तो ज़्यादा फ़ोटो नहीं खींच पाती हूँ क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान वीडियो पे ही रहता है। और ये रास्ता देख के ही आप लोग जान गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये रास्ता नौसढ़ का है। जी हाँ है, मतलब हम लोग नौसढ़ से गोरखपुर जा रहे थे। गोरखपुर मतलब जा रहे थे, कहाँ कहाँ जा रहे थे ये आप लोगों को बताएंगे। एक दिन में घूमे या फिर 2 दिन में घूमे वो भी आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले गोरखपुर में पहुँचे और ये देखिए गायत्री शक्ति पीठ का गेट है ये। यहाँ से हम लोग सीधा गए, पहले सुबह सुबह ही निकले थे ना, सबको भूख लग गई थी, सब लोग बोले कि चलते हैं पहले नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद से निकलते हैं घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे गणेश होटल गोरखपुर में जो है, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ता बहुत अच्छा था, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि हम कहाँ आ गए हैं। गोरखपुर की सबसे फेमस जगह गोरखनाथ मंदिर, और हम लोग सब लोग पहुँचे सबसे पहले गोरखनाथ भगवान जी का दर्शन करने। गोरखनाथ मंदिर, मंदिर में गए तो सबसे पहले वहाँ पे हमने घूमा सब जगह, मतलब हर जगह जितनी भी जगह थी वहाँ पे घूमे। और जब मंदिर में गई अंदर, वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाया। तो देखना है पावन वीडियो फोटो ना। ए बाबू पकड़, ए शौर बाबू उनको देखिएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ गोरखनाथ भगवान जी का। मैंने ना वीडियो बनाया लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे वीडियो बनाना मना है। तो मैंने जब मैं यहाँ पे बना रही थी तब मुझे कुछ नहीं बोला गया, तो ये मेरा रिकॉर्ड हो गया था, जय भगवान जी। और रिकॉर्ड होने के बाद फिर वहाँ से मुझे मना कर दिया गया, तो मैंने वहीं पे रोक दिया वीडियो। फिर मैं बाहर का सब कुछ ले रही थी क्योंकि वहाँ पे बोल रहे थे ना कि यहाँ पे वीडियो नहीं
नहीं बनाना चाहिए, मतलब वो वहाँ पे मना कर रहे थे, सब पुलिस वाले थे, तो मैंने वहाँ पे फ़ोन बंद कर दिया। और बाहर का ये सब नज़ारा देखिए आप लोग, इतनी सुंदर जगह है ये, इतनी शांति कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी जगह है। और जो लोग उधर के होंगे ना, उनके लिए तो मतलब कॉमन है, बाकी हम लोग नहीं जाते हैं, हमेशा कभी कभी जाते हैं। मैं ऐसा नहीं है नहीं गई हूँ, मैं बहुत बार गई हूँ, ये मेरा शादी के पहले भी मैं गई थी, और जब से शादी हो चुकी तब से मैं तीसरी बार गई हूँ। और कौन ये सोया है समर्थ? बहुत बड़ी मूर्ति है ना, फिर इधर आ गए, मतलब इधर मंदिर बना था हनुमान जी का और रामचंद्र जी का, सीता जी का, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ पे भी मना कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। फिर हम लोग निकल गए दूसरी जगह वहाँ से, और वहाँ का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि क्या है ना कि एक साथ वीडियो बना रही थी, सब एक ही साथ डाल रही थी, तो बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसीलिए मुझे पार्ट वाइज करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं ये पहला वीडियो है, दूसरा मेरा आएगा कल तक या फिर परसों तक। ये हम लोग यहाँ पे मतलब पहुँच गए थे, वहाँ पे पहुँचते ही ना हम लोगों ने पहले पिया गन्ने का जूस, गन्ने का जूस पी के बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद से आगे का ब्लॉग बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग वो सब मेरा देखिएगा आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तो नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। हम लोग बहुत घूमे, आते आते इतना थक गए थे कि क्या बताएं, तो मेरा दूसरा वीडियो कल तक आएगा, तब तक के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। Thank you.